हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेट्रोवॉक एडवेंचर आइलैंड के ब्लॉग के सेकंड पार्ट में। कल आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, तो आज आप सेकंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि एक ब्लॉग में पूरा पार्ट दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए आप आज देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। गाइस, रोहिणी में एडवेंचर आइलैंड में आप अपने बच्चों के साथ बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आकर आप फुल मस्ती कर सकते हैं। इस जगह पर पूरे दिन मस्ती करने में आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और सस्ते में आप हर तरह की मस्ती कर पाएंगे। यहाँ काफ़ी राइड्स और वाटर राइड्स हैं जहाँ आप पूरे दिन मौज मस्ती कर सकते हैं। तो गाइस, मेट्रोवॉक एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। इवनिंग हो चुकी है और इवनिंग के 5 o'clock हो चुके हैं, तो देखिए धीरे धीरे रश बढ़ता ही जा रहा है। कई लोग आए हुए हैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए, और ये देखिए बच्चे कितना तो एंजॉय करते जा रहे हैं यहाँ पर आके। यहाँ पर देखिए लेडीज की कितनी ब्यूटीफुल इयर रिंग्स है, देखो। और यहाँ पर जो हम बचपन में टॉफीज वगैरह खाते थे ना, वो है। तो गाइस, यहाँ पर गुलाबी तरह सरारा गाना चल रहा था, तो मुझे याद आया कि हमारा ये गाना कितना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। उत्तराखंड का गाना भी इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी ले चुका है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, झूम रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि हमारे उत्तराखंड का गाना भी आजकल इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग बोटिंग कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ आकर बोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ के जो बोटिंग प्राइस है वो 100 rupees है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, देख सकते हैं। और गाइस, यहाँ से एक डायनासोर पार्क है। और गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे की बहुत सी राइड्स हैं, यहाँ पर बच्चे राइड्स ले सकते हैं। या मेरा मन तो उसमें बैठने का, पुल पे। ये देखिए किड्स राइड्स। तो गाइस, यहाँ से हम जाने वाले हैं डायनासोर पार्क में, और पहले भी हम लोग यहाँ जा चुके हैं और इस पर मैंने एक व्लॉग बनाया भी है, बट आज हम सेकंड टाइम यहाँ पर जाने वाले हैं। और आराध्या हमेशा यहाँ पर आने के लिए एक्साइटेड होती है, यही जिद कर रही है कि मुझे डायनासोर पार्क में जाना है, तो इसीलिए हम लोग इसके साथ जा रहे हैं। तो आइए गाइस, आप भी आइए डायनासोर पार्क में। तो आइए गाइस, आपको ले चलते हैं डायनासोर पार्क में। तो ये देखिए, ये है डायनासोर पार्क। हाँ, तो देखिए गाइस, ये है डायनासोर का एग, और एग के बीच में देखिए बेबी भी आ चुका है। ये एग देखिए ब्रेक भी हो चुका है, तो कुछ देर के बाद इसमें से बेबी निकलने वाला है, ये देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कई लोग अपने किड्स को लेकर आए हुए हैं डायनासोर को देखने के लिए, क्योंकि किड्स को डायनासोर को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और उन्होंने पहले मूवीज़ वगैरह में ही डायनासोर को देखा होता है, तो यहाँ पर वो रियल में तो नहीं लेकिन डायनासोर का स्टैचू ज़रूर देख सकते हैं। और ये लुक वाइज तो रियल डायनासोर ही लगता है, क्योंकि हम लोग भी इसको देख कर डर रहे हैं। तो बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लोग जब भी आते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हाय राधिया, और
देखिए आराध्या भी कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है यहाँ पे आके। और पिछली बार जब वो आई थी तो बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि उसको लग रहे थे कि ये रियल की डायनासोर है, बट अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो उसे पता चल गया है कि ये रियल के नहीं है। तो आज वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। और यहाँ देख सकते हैं कई लोग आए हुए हैं डायनासोर पार्क में। ये देखिए गाइस बिग डायनासोर, ये देखिए। हाय डायनासोर, हाय हाय डायनासोर। यहाँ देखिए डियर और एलिफेंट, और ये सबसे बड़ा डायनासोर है यहाँ का। यहाँ भी देखिए डायनासोर, ये देखिए। आराध्या आ जा। गाइज ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हम लोग सच में डायनासोर के जंगल में आ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ जो साउंड आ रही है वो रियल के डायनासोर की जैसी ही आ रही है, जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते थे ना, बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि जैसे हम एक घने जंगल में हैं और वहाँ पर इतने बड़े बड़े डायनासोर हैं। तो इस पार्क को बहुत ही अच्छा बनाया गया है, ऐसे लग रहा है कि ये रियल के डायनासोर है। देखिए टेडी पांडा भी आ गया। हेलो पांडा, हेलो पांडा, हेलो पांडा, हेलो। तो गाइस यहाँ पे हमें पांडा ही मिल गया। और लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो आराध्या पांडा से बहुत ज़्यादा डर गई थी, बट इस बार ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, अब बिल्कुल नहीं डर रही है, अब पांडा के साथ एंजॉय कर रही है। देखिए और देखिए अब कितने सारे लोग आ चुके हैं पांडा के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और पिछले बार हम आए थे तो पांडा नहीं, हमें किंग कॉन्ग मिला था और आराध्या उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी, बट इस बार आराध्या डर नहीं रही है। अब आराध्या थोड़ी सी बड़ी हो गई है और उसे पता चल गया है कि जो पांडा है वो रियल नहीं है। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो वो सोच रही थी वो जो किंग कॉन्ग था वो रियल था, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। गाइस अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ इस डायनासोर पार्क में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल डायनासोर को देख रहे हैं और आपको रियल फीलिंग आएगी। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना डायनासोर को और उसको देखते ही डर जाते हैं, तो यहाँ आकर भी आप डरने वाले हों आपको लगेगा कि हम रियल के डायनासोर को देख रहे हैं। तो यहाँ हमने सोचा कि अब हम डायनासोर पार्क में आ ही चुके हैं और हमने डायनासोर को भी देख लिया है, तो यहाँ हम पांडा के साथ कुछ पिक्स भी ले रहे हैं कि हमें याद रहे कि हम लोग इस पार्क में आए थे और हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया था। तो पिक्स लेना तो लाजमी है। तो यहाँ देखिए ट्रेन भी है और हम लोग ट्रेन पे चढ़ भी रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा बहुत कुछ है जहाँ आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पिक्स ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, तो रियल में आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ राम मंदिर का स्टैचू भी है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मत्था टेका, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रियल का ही राम मंदिर है। तो यहाँ देखिए आराध्या भी यहाँ पर पूजा कर रही है, तो उसे लग रहा है हम रियल में राम मंदिर को देख रहे हैं। और यहाँ पर साउंड देखिए कितनी हॉरर साउंड है, बिल्कुल रियल डायनासोर की तरह साउंड है। तो साउंड को सुनकर तो बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है, तो हम लोग थोड़ा बहुत डर भी रहे हैं बट इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर हमें, और मन करता है कि बार बार यहाँ आते रहें। और देख सकते हैं कितने एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ। लॉजिक समझ में नहीं आ रहा बस। चलो। और गाइस यहाँ देखिए डायनासोर के एग, और आराध्या तो डायनासोर के एग के अंदर ही घुस गई है और ऐसा फील कर रही है कि जैसे हम लोग डायनासोर के ही बेबी हैं। ये देखिए मैं भी आराध्या की तरह ही डायनासोर के एग के अंदर घुसी हूँ, तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ, देख सकते हैं आप। तो आप भी यहाँ आके बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं हमारी तरह। तो दोस्तों हमें देखकर अगर आपका भी मन कर रहा है डायनासोर पार्क में आने का, एंजॉय करने का, तो आप रोहिणी सेक्टर 10 मेट्रो वॉक में आ सकते हैं। और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रिठाला मेट्रो स्टेशन है और यहाँ की जो टिकट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। डायनासोर पार्क में आने के लिए 100 रुपीज़ टिकट प्राइस है, तो आप हमारे जैसे ही आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। राधे यहाँ पर सेकंड टाइम आई हुई है और वो हर टाइम यहाँ पर आने के लिए हैप्पी रहती है। जब भी मेट्रो वॉक आते हैं तो बोलती है कि मुझे डायनासोर पार्क भी लेके चलो, तो इस बार हम उसे सेकंड टाइम फिर से ले आए हैं। तो
लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो आराध्या बहुत ज़्यादा डर रही थी, उसे लग रहा था ये जो डायनासोर रियल है, बट अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो उसे पता चल गया है कि डायनासोर रियल नहीं है, तो अब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है और यहाँ से जाने का बिल्कुल भी इसका मन नहीं कर रहा है। आराध्या चले, आराध्या चले, चलो। तो गाइज दिखने में जो डायनासोर होते हैं बिल्कुल रियल लग रहे हैं, तो अगर आपके बच्चों को भी डायनासोर देखने हैं तो आप उनको यहाँ ला सकते हैं, तो उन्हें भी ऐसा लगेगा जैसे रियल के डायनासोर हैं, क्योंकि आराध्या को भी फर्स्ट टाइम जब आई थी तो उसे लग रहा था कि ये डायनासोर रियल के हैं, बट इस टाइम वो सेकेंड टाइम आई है तो उसे पता चल गया है कि ये रियल नहीं है। अब उसको डर नहीं लग रहा है बल्कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, देख सकते हैं। और यहाँ देखिए डायनासोर, जिराफ और स्नेक एक साथ ही हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एक साथ। यहाँ देखिए कितने डेंजरस टाइप के स्विंग्स हैं और बच्चे कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और आराध्या को भी हम बोलते हैं इस वाले स्विंग में स्विंग कर ले, लेकिन वो बहुत डरती है, अभी तक उसने इस वाले स्विंग में कभी स्विंग नहीं किया। यस आई एम हियर। और ये जो लड़का स्विंग कर रहा है ये भी देखिए कितना ज़्यादा डर रहा है, बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है इसकी हवाएं उड़ गई है, काफ़ी डर रहा है लड़का, देख सकते हैं। तो जब ये इतना बड़ा है यही डर रहा है तो आराध्या तो जरूर डरेगी, तो इसलिए वो झूलती नहीं है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मिरर मेज, ये देखिए, तो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं मिरर मेज, ये देख सकते हैं। यहाँ पे है फन विला, ये देख सकते हैं। यहाँ से है स्कैरी हाउस, स्कैरी हाउस में जाएंगे हम लोग। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मिरर में, यहाँ से देखते हैं मिरर में से है एंट्री, देख सकते हैं। हम आ गए हैं मिरर मेज में और यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ जाना है, क्योंकि ये मिरर मेज है तो पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, हर तरफ मिरर लगे हैं। गाइस भुलभुलैया है, भुलभुलैया है, यहाँ पर ना बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है रास्ता, तो पता नहीं चल रहा है किधर जाना है, तो हम लोग एक दूसरे को फॉलो करते जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से ही है, तो यही है मिरर मेज, ये देख सकते हैं। एग्जिट कहाँ कर रही है, एंजॉय करके आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं स्कैरी हाउस। तो ये है स्कैरी हाउस, हम आ गए हैं स्कैरी हाउस में, ये देखिए। एंजॉय किया हमने अंदर, काफी गॉस देखे हमने अलग अलग टाइप। अब तो गाइस मिरर मेज भी हम जा चुकी हैं और स्कैरी हाउस भी हमने देख लिया है और बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया है, लेकिन आराध्या का मन नहीं भरा। पहले तो हम उसको ले जा रहे थे स्कैरी हाउस, पर उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं डर जाऊंगी, और अब वो जाके जिद कर रही है कि मुझे भी जाना है, और जब ले जा रहे हैं तो फिर जा रही है, तो एक तरफ डर भी रही है और एक तरफ जाना भी चाहती है। तो हमने बोला अब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस
इतना ज़्यादा इंजॉय कर लिया है। और डायनासोर पार्क में मैं पहले भी जा चुकी हूँ, बट मिरर मेज़ और इसके लिए हाउस में फर्स्ट टाइम गई हूँ, तो आज बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया है और लंच भी किया बाहर ही, और बाहर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया है। तो अब देखते हैं कहाँ जाना है। ये देखो किड्स स्विंग्स यहाँ पे, आराध्या ने इसको भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है कई बार। अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो अब इसके लिए बोल नहीं रही है, अब उसको थोड़े से बड़े राइड्स लेने हैं। और मैंने बहुत इन्जॉय किया आज, तो मिरर मेज भी देख लिया और इसके लिए हाउस भी देख लिया। इसके लिए हाउस में जाके इन्जॉय बहुत किया, पर डर नहीं लगा क्योंकि हमने हॉरर मूवी देखी है, तो इतना डर मुझे लगा नहीं, पर ठीक ठाक है, जो लोग बहुत डरते हैं उनके लिए अच्छा है। तो गाइज अब हम आ गए हैं गेम जोन में, और यहाँ आराध्या और मैं खेल रहे हैं गेम, और हम लोगों का मैच हो रहा है, और यहाँ आराध्या मेरे से हार रही है और बोल रही थी बुआ मैं जीत जाऊंगी, बट आराध्या मेरे से बिल्कुल हार रही है, यहाँ देख सकते हैं। और वो ना सोच रही है किसी भी तरह से मुझे हरा दे, बट पॉसिबल नहीं है आराध्या के लिए मुझे हराना। तो यहाँ भी हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है हम सभी को यहाँ पर आकर। और पिछले बार जब हम लोग आए थे मेट्रो वॉक में, तब भी आराध्या और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेम खेले थे, तो आप लोग भी यहाँ बच्चों के साथ आ सकते हैं और यहाँ कई टाइप्स के गेम्स खेल सकते हैं जिस तरह से हम लोग खेल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज वो गेम तो आराध्या मुझसे हार गई है, तो अब आराध्या खेल रही है बॉल गेम, और इसमें उसने सारी बॉल्स इसके अंदर डालनी है, तो देखते हैं यहाँ आराध्या जीतती है कि नहीं। वैसे पूरी उमंग के साथ तो गेम खेल रही है, पर देखते हैं कि आराध्या इस गेम को जीतती है कि नहीं। आराध्या जीत जाओगे इस गेम को? अच्छा चलो देखते हैं फिर आपको। देखिए गाइज आराध्या ने कितनी सारी बॉल्स डाल दी है, यहाँ देखिए आराध्या कैरी ऑन आराध्या। अरे बुआ मैं डाल लूंगी। नहीं डाल पाओगे आराध्या तुम, यो देख लो कितने सारे डाल रही हूँ। अरे अभी तो कितनी सारी बॉल्स बाहर है देखिए, और आराध्या कह रही है मैं जीत जाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि आराध्या यहाँ जीतने वाली है। आराध्या जल्दी जल्दी बॉल डालो गाइस, यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी बॉल्स अभी भी बाकी है, पर आराध्या यहाँ पूरी उमंग के साथ बॉल डाल रही है। वैसे हम भी चाहते हैं कि आराध्या जीत जाए, बट मुझे नहीं लगता आराध्या यहाँ जीतेगी। मैं जीतूंगी। आराध्या अभी भी देखिए कितनी सारी बॉल्स बाकी है, आराध्या फटाफट डालो जल्दी, आराध्या जल्दी करो। अरे तो बहुत अंदर आराध्या को ना अभी भी उम्मीद है कि वो जीत जाएगी। तो देखिए यहाँ पर गेम ओवर हो गया 70 स्कोर पर, और यहाँ आराध्या और मैं खेल रहे हैं 3D गेम, और यहाँ आके हमें बहुत लग रहा है, ये देख सकते हैं कैसे हम लोग डर रहे हैं, और मैंने तो आराध्या को पकड़ा हुआ है, और आराध्या बिल्कुल नहीं डर रही है, काफ़ी ब्रेव है, और मैं डर रही हूँ, बीच बीच में मैं आँखें बंद कर रही हूँ, मगर मैं बता नहीं पा रही आपको क्योंकि डर भी बहुत लग रहा है। जब थोड़ी सी डेंजरस चीज़ें आती है ना मेरे आगे, तो मैं आँखें बंद कर देती हूँ। गाइस सच में बहुत डर लग रहा है इस गेम को खेलते हुए, ये गेम बहुत ज़्यादा डेंजरस गेम है मेरे लिए, तो कभी कभी ऐसे सीन आ रहे हैं। आराध्या तुम डर रही हो? नहीं। आराध्या डर रही हो तुम? नहीं यार। ये देख सकते हैं आराध्या मुझे मारने आ रही है क्योंकि आराध्या डर रही है। तुम डर रही हो आराध्या? नहीं वो 3D की दिख रहा है ना वो आतंकवादी, मतलब
वो उसको बाहर। गाइस कभी मगरमच्छ दिख रहे हैं तो कभी बड़े बड़े भूत दिख रहे हैं, कभी कभी डायनासोर दिख रहा है, कभी क्रोकोडाइल दिख रहा है। बहुत ही डेंजरस गेम है, अगर आप बहुत ज्यादा ब्रेव है तभी इस गेम को खेलिए, क्योंकि हमें तो बहुत डर लग रहा है। ये देख सकते हैं आप, मैं कितना ज्यादा डर रही हूँ, एकदम सहम गई हूँ, और आराध्या बिल्कुल नहीं डर रही है, बहुत ही ब्रेव है। तो गाइस अब हम लोग बाहर आ गए हैं। तो गाइस अभी 7 बजने वाले हैं और अभी भी हम मेट्रो आते हैं, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है वैलेंटाइन डे पे। काफ़ी कपल्स आए हैं और वो अपनी तरफ से काफ़ी कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को देख रहे थे। तो अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब आइसक्रीम खाएंगे और घर जाएंगे, क्योंकि हम लोग दिन के 1 बजे से निकले हैं। तो आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मज़ा आ गया घूम के। आराध्या ने कैंडी भी ले ली और काफी गेम्स खेले आज आराध्या ने और मैंने, बहुत एंजॉय किया है ना आराध्या। हाँ, और देखिए अभी भी लोग आते जा रहे हैं, आज वैलेंटाइन डे है तो काफी ज्यादा रश है आज मेट्रो आर्ट में। और यहाँ पर न्यू ईयर, वैलेंटाइन डे ऐसे टाइम में कई लोग आते हैं, और यहाँ पर कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं इस दिन। ये देख सकते हैं कितनी चहल पहल है आज। वैसे तो मेट्रो आर्ट में हमेशा ही चहल पहल होती है, बहुत रश होता है, बट क्रिसमस डे, वैलेंटाइन डे, न्यू ईयर में यहाँ और भी ज़्यादा रश होता है और बहुत ही धूमधाम मची होती है। ये देख सकते हैं, ये है बच्चों की ट्रेन, और इसमें मैंने और आराध्या ने भी कई बार इंजॉय किया है, और फर्स्ट टाइम आते हैं, मेरे साथ ही बैठी थी इस ट्रेन में। अच्छा है ना, बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी है, काफ़ी सुहाना मौसम है, और इस मौसम में तो हर किसी का मन करता है एंजॉय करने का, घूमने फिरने का। आप सभी जानते हैं कि मार्च शुरू होते ही गर्मी शुरू हो जाती है दिल्ली में, तो फरवरी ही एक ऐसा मंथ होता है जिसमें ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो वैलेंटाइन डे भी फरवरी में पड़ता है, तो इस टाइम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो आज हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया, तो अब आइसक्रीम खाएंगे, तो उसके बाद हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि हम लोग 1 बजे से घूम रहे हैं, और क्योंकि अब मेरा भाई परसों जाने वाला है कतर, तो फिर तो 1 साल बाद ही उससे मिलेंगे, तो जाने से पहले एक बार फिर से अच्छे से घूम लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग मेट्रो आर्ट में घूम चुके हैं, और अभी हम लोग मेट्रो आर्ट के बाहर ही खड़े हैं। तो गाइस घर जाते जाते हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, क्योंकि मुझे मेट्रो आर्ट की जो आइसक्रीम है बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस अभी हम लोग आइसक्रीम खाते हुए पार्किंग में जा रहे हैं, और वहीं से गाड़ी में बैठेंगे और घर के लिए जाएंगे। तो गाइस मैं यहीं पे व्लॉग को एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, जय हिंद।